दादा की तेरे जैसे मेरे बेटा आईएएस है, क्या तुम इसे बात करें? 58 साल मेरी उम्र, कल कल कहूंगा तो बात करते बाल नहीं पकड़े रहे, इसलिए मेरा बेटा आईएएस है, क्या तू बात करेगा? ध्यान रखना मजिस्ट्रेट हूँ, एक इशारे में ये टांग देगा। ये कहना है तहसीलदार जितेंद्र वर्मा का, जो पहुँचे थे ग्रामीणों का धरना खत्म करवाने के लिए, और वहाँ पहुँचकर ग्रामीणों पर इस तरीके से बरसते नजर आए। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, मैं हूँ आपके साथ शिवम कुशवाहा। सिंगरौली जिले में आंध्र प्रदेश सरकार की कंपनी आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी की APMDC को यहाँ पर सुलियरी कोल ब्लॉक आवंटित है। MPMDC ने बिना भू अर्जन प्रक्रिया पूरी किए ही कोल ब्लॉक में डूंगरी गांव से कोयला खनन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस वजह से वहां के ग्रामीण आदिवासी बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच ग्रामीणों ने कोल परिवहन कर रही वाहनों को रोक दिया, जिसके बाद उपखंड के प्रशासन अमला और पुलिस बल जो है मौके पर पहुंचा। विस्थापित ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की गई और धरना प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश भी करने लगे। वहीं प्रशासनिक अमले में मौजूद थे तहसीलदार जितेंद्र वर्मा, जो कि तीखे तेवर में ग्रामीणों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तहसीलदार ने धमकी देते हुए ग्रामीणों को कहा कि कोल परिवहन रोक लेना, तुम कंपनी को जमीन दी है, भाड़ में जाओ, आचार संहिता लगी है, ज्यादा करोगे तो जेल में डाल दूंगा। अरे तू नाम लगी क्या होता है, रोक ले तू, करो ना, करके देख लेना, चल मैं भी कह के जा रहा हूँ, एक भी मदद ना मैं कर पाऊंगा। अगर तुम मेरा सहयोग नहीं करोगे तो हम कंपनी से कुछ ना कर पाएंगे। तुमने जमीन दिया, कंपनी दिया, जाए भाड़ में, हमसे क्या मतलब। चलिए आप रोकिएगा, रोक लीजिएगा, रोकिएगा, रोक नहीं, रोक लीजिए, इसका बात है क्या ये? तो तुम क्यों इसकी वापस आ जाएंगे? अपनी बात बताओ, नेता बनते हो, पानी तक नहीं मिल पाए वो नहीं झाड़ रहा, दरअसल ग्रामीणों को शिकायत है कि APMDC कोल ब्लॉक के विस्थापित उचित मुआवजा उनको नहीं मिला है, और मुआवजा सहित दूसरी मांगों को लेकर विस्थापित ग्रामीण आदिवासी खनन का विरोध कर रहे हैं, और यह विरोध कई दिनों से चल रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि कंपनी ने अभी भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी किए बगैर ही खदान से कोयले का खनन करना शुरू कर दिया है, और उत्पादित कोयले को सड़क मार्ग से परिवहन कर बिजली कंपनी को भेजा जा रहा है। फिलहाल तहसीलदार का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और तहसीलदार के रवैये पर लोग भी सवाल उठा रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।